दूसरा सैमुएल चौथा बाब। जब साउल के बेटे अशबुसत ने सुना कि अबनेर हिब्रोन में मर गया, तो उसके हाथ ढीले पड़ गए और सब इसराइली घबरा गए। और साउल के बेटे इशबसुत के दो आदमी थे जो फौजों के सरदार थे, एक का नाम बाआना और दूसरे का रेकाब था। ये दोनों बनी बिन्यामीन की नस्ल के बेरोती रमून के बेटे थे, क्योंकि बेरोत भी बनी बिन्यामीन का गिना जाता है। और बेरोती जैतीम को भाग गए थे, चुनाचे आज के दिन तक वो वहीं रहते हैं। और साउल के बेटे यूनतन का एक लंगड़ा बेटा था। जब साउल और यूनतन की खबर याजरेल से पहुंची तो वो 5 बरस का था। सो उसकी दाइया उसको उठाकर भागी, और उसने जो भागने में जल्दी की तो ऐसा हुआ कि गिर पड़ा और लंगड़ा हो गया। उसका नाम मिफ्यूबोस था। और बेरोती रुमून के बेटे रिकाब और बाना चले, और कड़ी धूप के वक्त अशबुसोत के घर आए, जब वो दोपहर को आराम कर रहा था। सो वो वहां घर के अंदर गेहूं लेने के बहाने से घुसे और उसके पेट में मारा, और रिकाब और उसका भाई बाना बाग निकले। जब वो घर में घुसे तो वो अपनी खाबगाह में अपने बिस्तर पर सोता था। सो उन्होंने उसे मारा और कत्ल किया, और उसका सिर काट दिया, और उसका सिर लेकर तमाम रात मैदान की राह चले। और अशबसुत का सिर हिब्रोन में दाऊद के पास ले आए और बादशाह से कहा, तेरा दुश्मन साउल, जो तेरी जान का तालिब था, ये उसके बेटे अशबसुत का सर है, जो खुदावन ने आज के दिन मेरे मालिक बादशाह का इंतकाम साउल और उसकी नस्ल से लिया। तब दाऊद ने रिकाब और उसके भाई बाना को, जो बेरोती रमोन के बेटे थे, जवाब दिया कि खुदावंद की हयात की कसम, जिसने मेरी जान को हर मुसीबत से रिहाई दी है, जब एक शख्स ने मुझसे कहा कि देख साउल मर गया और समझा कि खुशखबरी देता है, तो मैंने उसे पकड़ा और सिकलाज में उसे कत्ल किया। यही जजा मैंने उसे उसकी खबर के बदले दी। पस जब शरीरों ने एक रास्तकार इंसान को उसी के घर में उसके बिस्तर पर कत्ल किया है, तो क्या मैं अब उसके खून का बदला तुमसे जरूर ही ना लूं और तुमको जमीन पर से नाबूद ना कर डालूं? तब दाऊद ने अपने जवानों को हुक्म दिया, और उन्होंने उनको कत्ल किया और उनके हाथ और पांव काट डाले, और उनको हेब्रोन में तालाब के पास टांग दिया। और इशबोसोत के सिर को लेकर उन्होंने हेब्रोन में अबनियर की कब्र में दफन किया।